सैफ अली खान हमारे साथ हैं और फिल्म का नाम है फैंटम। फैंटम फिल्म के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फैंटम जो नाम है ना वो ही बहुत इंटरेस्टिंग है। फैंटम कॉमिक्स कितना रिलेट करते हो? यार नहीं, ज़्यादा रिलेशन है नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद कबीर और साजिद भाई ने ऐसे टाइटल को इसलिए भी ओके किया क्योंकि एक एक रेजोनेंस है, लोगों ने नाम सुना होगा और एक काफ़ी मिस्टीरियस और कूल कैरेक्टर से इसे एसोसिएट करते हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपको फैंटम कॉमिक्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता नहीं, है। नहीं, बचपन में सब पढ़ते थे, लेकिन फैंटम कॉमिक्स सिर्फ अखबार में एक स्ट्रिप आती थी, आई थिंक इन टाइम्स ऑफ इंडिया, आई कांट रिमेंबर विच, लेकिन सिर्फ ली फॉक मैंड्रेक और फैंटम के कॉमिक स्ट्रिप्स आते थे, लेकिन मैंने कभी एक पूरी कॉमिक नहीं पढ़ी। सिर्फ तीन पैनल्स आते थे, एंड वी यूज्ड टू वेट फॉर दैट। या फैंटम जो फिल्म है एक सीरियस किस्म की फिल्म है, और ऐसी फिल्म सैफ ने पहले भी की है। ग्लोबल टेररिज्म की अगर बात करें तो एजेंट विनोद हो गया, इस तरह की फिल्में आपने पहले की हुई हैं, लेकिन इस फिल्म को करने से पहले सैफ एक चीज़ होती है जिससे एक एक्टर इत्तेफाक रखता है कि यस मुझे ये फिल्म करनी चाहिए, मुझे वजह बताइए। वजह ये थी, दो तीन वजह थी। एक वजह थी कि मुझे रोल बहुत पसंद आया था, मुझे एक बहुत पैट्रियोटिक स्ट्रॉन्ग हीरोइक रोल लगा। मुझे इस बात से आई वॉज कॉम्प्लीमेंटेड, अगर कबीर खान एक था टाइगर बनाने के बाद वो किसी को भी ले सकते थे अपने लीड में, लेकिन उन्हें लगा कि मैं रोल को सूट करता हूँ, तो आई थॉट दैट वाज अ नाइस थिंग। कहानी वाकई बहुत पैट्रियोटिक और स्ट्रॉन्ग और एक अच्छी एक्शन एडवेंचर भी है। उसके बाद मुझे प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा लगा, साजिद भाई के साथ काम करने की उम्मीद हमेशा थी। कंफर्टेबल माहौल होना बहुत ज़रूरी है जब आप काम नहीं कंफर्ट होना ज़रूरी नहीं है एक्चुअली, वो दैट्स फाइन, लेकिन जिस हिसाब से वो फिल्म बनाते हैं, पेश करते हैं, रिलीज डेट के बारे में सोचते हैं, एक प्रोड्यूसर का हाथ, एक यू नो इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ पैसे नहीं लगाते हैं, लेकिन फिल्म को एक शेप देते हैं, एक टाइमिंग समझते हैं, रिलीज़ कब करनी चाहिए और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं चाहता था उनके साथ काम करूं और कबीर के साथ काम करूं और इस फिल्म पे काम करूं, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक अच्छा हीरोइक रोल निभाऊं। सैफ ये फिल्म बात करती है एक ऐसे एजेंट की जो भारत और आपने एजेंट विनोद की बात की थी पहले, जो एक हम बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अटेम्प्ट था एक एंटरटेनर बनाने के लिए। इस फिल्म का बेस काफ़ी सीरियस है, अलग है। और यू नो आज के माहौल में ऐसी जो चीज़ें जो हो रही हैं, एक रियलिटी में भी एक इसकी इमोशंस आर बेस्ड इन रियलिटी। आई एम ग्लैड दैट मतलब आज आपके जैसे एक्टर इस बात को सोचते हैं और फिल्म के माध्यम से बातों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिल्म एक ऐसा जरिया है जहां पर लोग एकदम से कनेक्ट भी करते हैं और समझ पाते हैं चीज़ों को। मैं जानना चाहूँगी कि फैंटम में आपका किरदार क्या है और एक एजेंट जो आप बने हैं इस फिल्म में वो क्या करता है, उसका उद्देश्य क्या है? जी, ये एक तरफ से देखा जाए तो दिस फिल्म इज़ अबाउट रिडेम्पशन, एक दूसरा चांस। मेरा जो रोल है एक आर्मी मेजर का है, जो आर्मी से एक्चुअली निकाला जाता है, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ कावर्डिस और बहुत बेइज्जती होती है, उसके बाप के साथ उसका रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाता है, बात नहीं होती फैमिली से, उनके सोल्जर्स जो हैं उनसे बात नहीं करते, तो और वो अकेला कश्मीर में अकेला रहता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक 2611। और रॉ में एक एनालिस्ट एक प्लान बनाता है और इस प्लान को फुलफिल करने के लिए उन्हें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जो एक्सपेंडेबल हो, अगर मर जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो इसे लेते हैं और ऑफर करते हैं कि अगर आप ये मिशन चाहते हो तो वी कैन गिव यू अ चांस, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो यू नो आप अपने आप इंडियन गवर्नमेंट के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। तो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फैंटम, क्योंकि वो एक फैंटम की तरह है और उसे एक चांस मिलता है टू रिडीम हिमसेल्फ, और वो चांस ले लेता है, और किस हिसाब से वो करता है, क्या होता है, डज ही अचीव हिज मिशन, दिस इज़ व्हाट द थ्रिलर इज़ अबाउट। इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स नॉट अ हैवी फिल्म, उसका बेस शायद एक रियलिटी में हो। इट्स अ व्हाट इफ काइंड ऑफ मूवी, कि अगर ऐसा हो तो कैसा हो। और फिल्म की माउंटिंग बहुत बड़ी है और एक
इट्स लाइक एन इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर, लेकिन उसका इमोशन जो है वो बहुत इंडियन है, और दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी टू इट. आई एम श्योर, क्योंकि हम सब की उम्मीदें हैं और हम सब बहुत ही एक्साइटेड इस फिल्म को देखने के लिए. बहुत वक्त के बाद आपको भी देख पाएंगे इस रूप में, व्हिच इज रियली गुड फॉर योर फैंस. वेल नाइस, आई मीन यू नो, अगर कबीर और साजन नरवाला, कबीर खान आपको एक ऐसी ऐसा रोल ऑफर करते हैं, सैफ अली खान नहीं, मुझे जब ऑफर आया था तो मुझे आई थॉट इट वाज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, एंड इट्स बिकॉज़ इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट, सो आई एम हैप्पी आई गॉट इट. थैंक यू, थैंक्स, नाइस टॉकिंग टू.